बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज मेरे साथ जो दो गेस्ट मौजूद हैं, कैप्टन अदीब-उज़-ज़मान सफ़ी साहब हमारे उस्ताद हैं, हमारे मोहतरम हैं और हम इनसे सीखते रहते हैं और अक्सर आप इनको हमारे प्लेटफॉर्म पर देखते रहते हैं। उनके साथ मौजूद हैं सलमान लाली, PakTurk.com के रूह रवा हैं, उसके मैनेजिंग एडिटर हैं, उसके अलावा मिडल ईस्ट और ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज जो हम शो बेसिकली जो हमने प्लान किया था वो ये है कि आप जानते हैं कि 30 अप्रैल को इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने रिटायर हो रहे हैं और इंडिया की तारीख में पहली दफा उनको रिप्लेस करने के लिए जनरल मनोज पांडे, जो कि इंजीनियर कोर से ताल्लुक रखते हैं, वो सामने आए हैं और फाइनलाइज हुए हैं और पहली मई से वो इंडिया के आर्मी चीफ होंगे। आखिर क्या बात है, क्या इंडियन आर्मी के अंदर कोई इन्फेंट्री और आर्मर का ऐसा बंदा नहीं था जिसको आगे लाया जा सकता और इंजीनियर्स के बंदे को लाया जा रहा है? क्या इसके अंदर भी जो एक हम इंडियन आर्मी के बारे में सुनते हैं कि मोदी साहब का फेवरेटिज्म है और वो अपने फेवरेट बंदों को लेके आते हैं जो उनके एजेंडे पे काम कर सकें, और पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि इंडियन फौज के अंदर हिंदू तवा बड़ी ताकत पकड़ रही है। इंडियन जनरल चाहे सर्विंग हो चाहे वो रिटायर हो, वो मोदी साहब की आंखों में आने के लिए, उनकी गुड बुक्स में आने के लिए हिंदू टर्मिनोलॉजीज, हिंदू जो टेक्स्ट है उसका जो है जिक्र करते हैं अपनी ट्वीट्स में, सोशल मीडिया पोस्ट जो उनकी पोस्टिंग्स होती हैं उनके अंदर, ताकि वो लाइमलाइट में आ सकें हुकूमत वक्त के सामने। इसके असरात क्या हो रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर जो मुल्क है वो अब वाजे तौर पे एक हिंदू मुल्क बन चुका है, और जनरल पांडे के आने के बाद के इसमें और ज्यादा तेजी आएगी, हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, जो लास्ट प्रोग्राम में हमने बात भी की लेकिन ज्यादा उस पर बात नहीं की, वो थी कि नेटो को जो एक्सपेंड किया जा रहा है अब उसका रोल यूरोप से बढ़ा के पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है, और फिर हम उस पर मजीद बात करेंगे जो 2+2 पिछले हफ्ते हुई और उससे पहले बाइडन और मोदी की बात हुई, जो कि तभी इस लेवल पे बात होती है मोदी और बाइडेन के लेवल पे जब कुछ चीजें फाइनलाइज हो चुकी हों। और हम तो पहले प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि इंडिया ने अपना पूरा वेट जो है वो डाल दिया है अमेरिका की तरफ, आगे क्या हालात पैदा हो रहे हैं। सर पहले आपसे मैं पूछूंगा, सर क्या बात है कि पूरी इंडियन आर्मी के अंदर सिर्फ एक ये मनोज पांडे ही था इंजीनियर कोर का, जिसके मेन रोल जो है इंजीनियर्स का वो फाइटिंग नहीं होता, इनका सेकेंडरी रोल होता है जो इसको प्रमोट करके जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, ये कोर ऑफ इंजीनियर्स जो है हमारे यहाँ भी, आपको याद होगा भट्ट साहब जो थे जिनको चीफ बनाया जा रहा था वो भी उस कोर ऑफ इंजीनियर्स के थे, और नवाज शरीफ साहब ने उनको बैल लगाने की कोशिश की, लेकिन तरीक़ेकार गलत था। समझने की चीज़ ये है कि कोर ऑफ इंजीनियर्स इज द ओनली कोर अदर देन फाइटिंग आर्म, जिसे कहते हैं ना आर्टिलरी, आर्मर, इन्फेंट्री, जिसके लोग जो है वो कोर कमांडर भी बनते हैं, जीओसी बनते हैं, एंड देन दे आर ग्रूम्ड, दे उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती टू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इसलिए उस लिहाज से सर्विस की प्रोग्रेस प्रोग्रेशन के लिहाज से कोई अजूबा बात नहीं है। ही मे बी सीनियर मोस्ट, और जो उनकी क्वालिफिकेशन मैंने देखी है, जो उनका कैरियर रहा है, वेरियस यूनिट्स कमांड किए पांडे साहब ने, उनके जो एनडीसी थी उनका, उसको क्वालिफाई किया हुआ, तो मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से ही इज क्वालिफाइड टू डू दैट। अब रह गया उस जहाँ तक के फेवरेटिज्म का सवाल है या उनकी मंजूर नजर है, ये तो हर जगह ही होगा। वेन एवर यू मेक दैट चॉइस, सिलेक्शन जो होती है उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी मुल्क है उसके पास पैनल ऑफ ऑफिसर्स भेजा जाता है, उनमें से वो एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस लिहाज से तो अभी ये वाइस चीफ ऑलरेडी थे, तो मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा रिपल्स क्रिएट हुए उनको जो सेलिब्रेट कर दिया इस पोजीशन पर, एंड बाय एनी स्टैंडर्ड इसमें कोई मुझे एबनॉर्मल चीज नजर नहीं आ रही।
सलमान, यहाँ पे मैं आपको एंगेज करूंगा। एक चीज हम देख रहे हैं कि बिपिन रावत को सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद प्रमोट किया गया, जैसे वो रिटायर हुआ उसको सीडीएस बना दिया गया, उसके मरने के बाद अभी तक सीडीएस जो है उसकी पोस्ट जो है खाली पड़ी है, और सुनने में ये आ रहा है कि निर्वाणे जो है अब इसको सीडीएस की तरफ लेके जाया जाएगा, जबकि मनोज पांडे जो है वो इसको रिप्लेस करेगा। इंडियन आर्मी के अंदर वो क्या चेंजेस आप फील कर रहे हो जो मोदी के आने के बाद आई? वाजे तौर पे एक तो हम देख रहे हैं कि एक वो जो हिंदू नेशनलिज्म के अंदर इजाफा हुआ, क्या आप समझते हो कि ये प्रेजेंट एनवायरनमेंट जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई है मनोज पांडे की, इसके अंदर भी वो हिंदू इंतहा पसंदी और जात पात छूत छात का जो है एलिमेंट शामिल था? थैंक यू बिलाल साहब। सबसे पहले मैं एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा, पाक तुर्क न्यूज का मैं एडिटर हूँ, और जहां तक आपके सवाल की बात है, सवाल आपका बहुत अहम है। एक तो ये कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनमें पहली मर्तबा किसी आर्मी के सरबराह को इंजीनियरिंग कोर्स लगाया गया। कैप्टन साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, उनकी जो कमांड का तजर्बा भी अच्छा है, उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से भी वो फारिग तहसील हैं, उसके अलावा वो अभी उनके पास एक बड़ी अच्छी पोस्टिंग थी जो उनके आईलैंड है इंडिया के वेबसाइट पर, उसमें भी उनके पास वो पोस्टिंग थी, तो उनके पास कमांड का एक्सपीरियंस है। लेकिन बहरहाल ये एक हैरान कुन बात है कि एक इंजीनियर को आप पूरी फौज का सरबराह लगाते हैं, और जहां तक आप इंजीनियर्स के मामलात को देखते हैं विद इन आर्मी, जो इंजीनियर्स का रोल होता है वो ज्यादातर लॉजिस्टिक्स के हवाले से होता है, और वो उसी हवाले से ज्यादा तजर्बा भी रखते हैं, और उनका ज्यादातर जो करियर होता है वो इन्हीं चीजों को डील करते हुए मिलता है। अब देखना यह है कि अगर इन्हें प्रमोट किया गया तो इनके पास कॉम्बैट का कितना एक्सपीरियंस है, वो कि इन्होंने एक ब्रिगेड एलओसी के ऊपर इन्फेंट्री की भी कमांड की हुई है, जो कि अपने आप में एक इंतहायत नॉर्मल चीज है। आप किसी भी इंजीनियरिंग कोर वाले को इन्फेंट्री की ब्रिगेड को हेड करने के लिए नहीं बुलाएंगे, लेकिन आई डोंट नो ये इंडियन आर्मी के कुछ रूल्स ऐसे अलाउ करते होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलवाई है वो ये है कि इंडियन आर्मी एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। काफी अरसे से हम मुसलसल इसके अंदर सटल चेंजेस देखते आ रहे हैं, और उनमें से एक तब्दीली तो ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रोफेशनल एंड सेकुलर इन नेचर। वहां पर हर जात, हर पात, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है उसमें ऑफिसर भी बन सकता था, उसमें जवान भी भर्ती हो सकता था, वो के वहां पर जो तनासब था हिंदू ऑफिसर्स का या सिख ऑफिसर्स का एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स वो जरा ज्यादा होता था, लेकिन वो एक सेकुलर फोर्स थी। लेकिन हमने कुछ अरसे से ये देखा कि जिस तरीके से वहां पर मुख्तलिफ हिंदू रिचुअल्स को अपनाया जाता है, जब राफेल आते हैं तो राजनाथ सिंह जो उनके वजीर दिफा हैं वो वहां पर वो अपने रिचुअल करके उसके ऊपर वो टीका और वो सब कुछ लगाते हैं कि ये नजरे बद से बचाए। वो राफेल तैयारे जो कि इस मुल्क के तहफ्फुज़, इस मुल्क के दिफा के लिए आ रहे हैं, उनको भी नजरे बद से खतरा है। ये एक माइंडसेट की बात है जो वहां पर इनकल्केट कर गया। दूसरी चीज ये है कि प्रवीण सवानी ने एक चीज की तरफ तवज्जो दिलवाई जिसकी तरफ अभी आपने भी इशारा किया, वो ये है कि जनरल बिपिन रावत को फौत हुए काफी अरसा हो गया, उनके इंतकाल हुए को काफी माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक सीडीएस की ये जो ओहदा उन्होंने नया क्रिएट किया था वो खाली था। क्या कोई भी ऐसा काबिल जानशीन उन्हें पूरे आर्म फोर्सेस के अंदर से नहीं मिला जिसे वो सीडीएस पोस्ट के ऊपर रख सकते? तीसरी चीज ये है कि इतने अगर इतनी अहम पोस्ट जिसकी अहमियत को बहुत ज्यादा जो है वो बताया जाता था इंडियन मीडिया के ऊपर भी और मुख्तलिफ डिबेट्स के अंदर भी कि जी अब जो नई वॉर डॉक्ट्राइन, जो नई डिफेंस डॉक्ट्राइन है ये उसका हिस्सा है, और अब एक यूनिफाइड कमांड होगी और इसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी और सारे मसाइल हल कर लिए जाएंगे जो पहले मसाइल हमें नजर आते हैं मुख्य फोर्सेस के दरमियान। तो अगर जनरल नरवाने उधर जाते हैं और ये अब ये जो ओहदा है इसे फिल किया जाता है, इस सीट को फिल किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो अहम बात है वो ये है कि मेरा जाती तौर पर ख्याल है, एंड आई कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, अभी तक इस अपॉइंटमेंट के ऊपर ज्यादातर हिंदुस्तान में नहीं कुछ कहा गया, ना ही इसके ऊपर तज्जिया आया है। बेशतर तज्जियाकार इस हवाले से खामोश है, दे आर एक्चुअली लुकिंग एट द सिचुएशन। लेकिन मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है, वो ये है कि मोदी जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर जो रवायात लाना चाहते हैं
जो तब्दीलियां लाना चाहते हैं, जो उसका सेकुलर आउटलुक है उसे जिस तरीके से तब्दील करना चाहते हैं, उसके लिए इंजीनियरिंग कोर के एक ऑफिसर को आपने लगाया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और जैसे कैप्टन साहब ने फरमाया कि उन्हें फरवरी के अंदर वाइस चीफ के तौर पर उन्हें प्रमोट किया गया था, यानी उनके बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए पहले एक बुनियाद रखी गई एज अ वाइस चीफ और अब उनको वो प्रमोशन। अच्छा, इसमें मैं एक कहता चलो, जून 2021 के अंदर जो है ना इनको पांडे को बनाया गया था चीफ ऑफ वाइस चीफ बनाया गया था, और जनवरी 22 के अंदर जो है ना इनको वहां से हटाया गया और अब इनको प्रमोट कर दिया गया। सर मैं आपकी तरफ आऊंगा, सर हालात तमाम चीजें, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इंडिया के अंदर कमान की तब्दीली हो रही है, उससे पहले वजीर आजम इंडिया का नरेंद्र मोदी, उसका वर्चुअल समिट हो रहा है बाइडन के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, और एक चीज जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि इंडिया न्यूट्रलिटी रखना चाह रहा है, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद जो 2+2 हुई और उसके बाद जो राजनाथ सिंह की तरफ से, खास तौर पे जयशंकर की तरफ से आया कि जी हम जितना फ्यूल ले रहे हैं रशिया से उतना तो दोपहर के अंदर सिर्फ ले लेता है यूरोप, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जो है वो आंखें दिखा रहा है चाइना को। तो एक चीज जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इस हाई लेवल की मीटिंग के से पहले ये डिसाइड हो चुका था कि इंडिया अपना वेट चाइना के खिलाफ डालेगा, जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी। अब आप क्या देखते हैं कि हमने ये देख चुके हैं कि चार फाउंडेशनल मुआहदे हो चुके हैं, जिसमें बीका लास्ट जो है वो 2020 के अंदर हुआ है, जिसके अंदर जियो स्पाशल जितनी इंफॉर्मेशन है वो शेयरिंग भी है, इनकी कम्युनिकेशन शेयरिंग भी है, और हर चीज इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह भी है। अब नेटो की जब एक्सपेंशन हो रही है तो नेटो एक्सपैंड होके अब यूरोप से पूरी दुनिया को कवर कर रही है, तो आप वो क्या थ्रेट्स हैं जो इस खित्ते के लिए देख रहे हैं खास तौर पे? और इसी का मैं एक जिमनी सवाल आपसे ये करूंगा कि आज श्रीलंका की तरफ से भी बयान आया है कि 4 बिलियन के करीब वो ले रहे हैं लोन IMF से, और इंडिया से भी वो ले रहे हैं। तो एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा था डेब्ट ट्रैप का चाइना के खिलाफ, उसमें लग रहा है कि श्रीलंका की इकोनॉमिक वूज को के जरिए उसे ब्लैक मेल करने में ये वेस्टर्न ब्लॉक काफी हद तक कामयाब हुआ है, जो अब अपनी रिलीफ के लिए वो टोटल इंडिया और यूरोप की तरफ देख रहा है। तो क्या आप नई अनलाइन जो है सेटअप देख रहे हैं इस खित्ते के अंदर? पहले नेटो का जो आपने जिक्र किया और जो जो बेसिक मोदी और बाइडन की जो गुफ्तगु थी, देखिए मैंने पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट इस एरिया में अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है एंड वो किस लिए यहाँ पर आए थे, और अफगानिस्तान में क्या ऑब्जेक्टिव था, और उसके उसके यहाँ से जाने के बाद जो इंटायर एरिया है ये किस तरीके से उनका जो रोड मैप है उसको कंट्रोल करने के लिए, दो तीन चीजें बड़ी कॉमन है। कंटेनमेंट ऑफ चाइना रिमेन्स द सेम, डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान रिमेन्स द सेम बिकॉज पाकिस्तान इज स्टिल द टारगेट, एंड थ्रेट टू इजराइल फ्रॉम दिस रीजन हैज टू बी एलिमिनेटेड। ये मैं आपको याद होगा जो हमने लास्ट प्रोग्राम में कहा था, ये तीन चीजें जो है तब्दील नहीं हुई हैं और इसको परस्यू करना है थ्रू अदर मीन्स। अब नेटो को एक्सपेंड जो कर रहा है टू कम इनटू एशिया एंड दिस रीजन इज बेसिकली वॉट्सअप पैक कंट्रीज के खत्म होने के बाद आपने आपको याद होगा बड़े गुफ्तगु चली कि अब नेटो का मकसद क्या रह गया है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, तो उसको रीडिफाइन किया है एंड उस चीज को अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ताकि अमेरिकन इंटरेस्ट इस रीजन में उनके प्रोटेक्ट हो सके, खास तौर पर चाइना के कंटेनमेंट एंड विज़ाबी द सीपैक प्रोग्राम एंड BRI, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है अमेरिकन के लिए इस रीजन में, बिकॉज इफ दैट BRI कंटिन्यूज तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड नॉर्थ अफ्रीका स्टेट्स ये सारे के सारे उसमें मुलविस होंगे और उस अब चाइना विल बी एबल टू अपना इन्फ्लुएंस वहां लेके जाएगा, तो उस चीज को तो न्यूट्रलाइज करना ही है और उसी के लिए ये सारा सिलसिला चल रहा है। इंडिया के साथ जो गुफ्तगू है और उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि रशिया के साथ अगर आप तेल ले रहे, पाकिस्तान के साथ तो नाराज हो गए कि भाई आपने क्यों रशिया कहे थे, इंडिया के साथ नहीं नाराज हो रहे बिकॉज इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री सो फार एज द बिजनेस इज कंसर्न्ड एंड मोर इम्पोर्टेंटली कंटेनमेंट ऑफ चाइना उसकी जिम्मेदारी है, तो इसलिए उनकी बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है
ताकि वो आपके साथ रहे, और मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अगेन बिलाल साहब, रिमेंबर माई वर्ड, द मेन ऑब्जेक्टिव रिमेन्स डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान। ये सारे जो हथकंडे और सारे जो मनूवर्स किए जा रहे हैं, वेदर इट इज इन क्वाड के हवाले से, वेदर इट इज इन साउथ चाइना सी, पूरा घेरा डाला जा रहा है सारे कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद भी हाउ डू आई कंटिन्यू टू मेक श्योर कि हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव वही रहेगा। और विदाउट गोइंग इन टू डिटेल्स, आई कैन जस्ट से हमारे यहाँ के इंटरनल जो अभी डायनेमिक्स आपने देखे, ये भी उसी का एक शाखाना है, एंड वी आर सब्जेक्ट टू दैट थ्रेट विच वेरी मच नाउ एग्जिस्ट। और हमें अपने जो हमारे इदारे हैं उनको इस चीज पर अलर्ट होना चाहिए कि अब हम इफ दे आर वन स्टेप मोर क्लोजर टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सलमान, मैं सवाल आपसे वही फिर पूछूंगा कि श्रीलंका 4 बिलियन अब दोबारा IMF के पास जाना चाह रहा है, इंडिया से पैसे मांग रहा है। आज की मैंने एक ट्वीट पढ़ी है एक मोतबर जो है इदारे की, तो क्या देख रहे हो कि श्रीलंका को एक मिसाल बना के क्या मैसेजिंग की जा रही है, नंबर वन। नंबर टू, हमने देखा कि बाइडन साहब ने बड़ी कोशिश की कि आसियान को चाइना के खिलाफ एक पेज पे लाया जा सके, और इस माह ही एक इजलास भी सरबराही होना था जिसकी अभी तक जो है डेट का ऐलान नहीं कर सके क्योंकि आसियान जो है वो बाइडन के नहीं आना चाह रही, लेकिन दूसरी तरफ साउथ कोरिया जो है ऑब्जर्वर बनना चाह रहा है क्वाड्स के अंदर। तो एक क्या आप नहीं समझते कि यूक्रेन की वॉर के बाद जो है अमेरिकन पॉलिसी के अंदर एक अग्रेशन आ गई है, और अब जो है वो एक फाइनल मार्के की तरफ जो है वो दुनिया को लेके जाना चाह रहा है चाइना और रशिया के खिलाफ। देखिए बिलाल साहब, सबसे पहले तो जो ये सारे का सारा एक सफबंदी हो रही है आलमी सतह के ऊपर, इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हम चाइना की जो तरक्की है या चाइना जिस तरीके से अमेरिका के सामने खड़ा हमें नजर आता है एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, उसको किसी तरीके से कंटेन किया जाए, इकोनॉमिक जो उसके थ्रेट्स हैं चाइनीज थ्रेट्स उनको कंटेन किया जाए, जैसे कैप्टन साहब ने फरमाया। अब बाकी सारी कड़ियां जो है वो मिलाना बड़ा आसान हो जाता है। प्यूटन के ऊपर इल्जाम लगता है कि उन्होंने अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर किया और ट्रंप उनकी वजह से बने। अब ट्रंप ने उनको एक फेवर की, जब वो नेटो में थे तो नेटो जितनी स्कैटर्ड थी, जितनी पोलराइज थी, इतनी उससे पहले तारीख में कभी भी नहीं, उसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे और वो कहते थे कि भाई आप अपने जो अखराजात हैं वो खुद करें, अमेरिका आपकी सिक्योरिटी के लिए क्यों पे करें, आप सब की कमिटमेंट है कि आप अपने GDP का 2% अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करेंगे, और वैसे भी ये जो पूरे का पूरा अलायंस है नाटो का ये यूजलेस अलायंस है। तो ये जो अभी मौजूदा सूरत हाल नजर आती है उसके अंदर यूरोपियंस को भी रियलाइज हुआ, और अमेरिकन बहुत अरसा पहले से, अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत अरसा पहले से रियलाइज कर रही थी कि ये सूरत हाल होने वाली है, दे हैव टू टेक अ अग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। और प्यूटन ने जिस तरीके से हमला किया और जिस तरीके से सब ममालिक ने मिलकर उसका मौशी तौर पर मुकातया किया, और अभी एट द मोमेंट अगेन हमें वो ये सारी की सारी चीजें माजी के कोल्ड वॉर के दौर की याद दिला रही हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम अगर रूस जाता है तो उसको उसके इख्तदार से हटा दिया जाता है और उसको एक धमकी आमेज जो है वो गुफ्तगू की जाती है उसके सफारतकारों के साथ। और इसी तरह से आपने अभी श्रीलंका का भी जिक्र किया, श्रीलंका को भी बुनियादी तौर पर रूस के खिलाफ जनरल असेंबली के अंदर वोट न देने के ऊपर पनिश किया गया होगा आई एम प्रिज्यूमिंग। लेकिन जो श्रीलंका का मसला है, उसका इकोनॉमिक मसला है, वो काफी डीप रूटेड है। वो ये है कि जो पूरे के पूरे श्रीलंका की इकोनॉमी है वो बड़ी हद तक टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती थी, कोविड की वजह से, कोविड का दौर था उसकी वजह से उनके वो रेवेन्यूज जो है वो कम हो गए, उनके पास ज़र मुबादला जो है वो नहीं उस तरह से रहा, और फिर कुछ चाइनीज डेट्स भी थे, कुछ और मसाइल भी थे जिसकी वजह से अब वो बैंक्रप्ट हो गया। अब ये अपॉर्चुनिटी बड़ी जबरदस्त होती है अमेरिका के लिए, अब किसी भी मगरबी मल्टीलैटरल लेंडर के लिए, कि कब आप उस मुल्क की सॉवरेनिटी को जो है वायलेट कर सकते हो उसके इकोनॉमिक गोल्स को यूज करते हुए। अब अगर IMF लगेगा तो फिर उसको डिक्टेशंस भी देंगे, उसके पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर भी असरअंदाज होंगे। ये एक मैं आपको एक और एक छोटी सी एंड के ऊपर, ये मेरा आखिरी कमेंट है, वो ये है कि डॉलर को जिस हद तक इंडिया अमेरिका वेपनाइज कर रहा है, जिस हद तक उसे पॉलिटिकली
वो यूज कर रहा है बल्कि अब्यूज कर रहा है। इस सैंक्शंस के आप लेकर देख लें या मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जिस तरीके से करंसी की कदर की उतार चढ़ाव आप नजर आपको आता है, मैनिपुलेशन होती है जैसे तुर्की में किया गया, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी किया गया है। तो इस वेपन को अब सब ममालिक को मिलकर शिकस्त देना होगी। रशियंस ने बहुत पहले ही ये रियलाइज कर लिया था, क्राइमिया को एनेक्स करने के बाद उन्होंने सर्टन मेजर्स अडॉप्ट किए जिससे उन पर पाबंदियों का असर कम पड़ा। इसी तरह चाइनीज ने भी इस तरह के इकदाम करना शुरू हो गए हैं कि ये जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर है इसका रास्ता किसी तरह से रोका जाए। और ये जो अग्रेसिव पोस्टरिंग है, ये जो अग्रेसिव अप्रोच है, ये हमें आने वाले दिनों के अंदर एक किसी और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लेकर जा रही है, जो कि डेफिनेटली इस डिस्कशन का मौजू नहीं है। लेकिन मैं आने वाले कुछ अरसे के अंदर एक और कॉन्फ्लिक्ट देख रहा हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ में आऊंगा। सर ब्रिटन वुड ने इस दुनिया का भट्टा जो है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट ने भट्टा बिठाया है, इसमें तो कोई शक नहीं। अमेरिकन ने बहुत अय्यारी के साथ दुनिया की रेफरेंस करेंसी डॉलर को बना दिया। अब वो डॉलर छापते हैं, हम वो डॉलर इस्तेमाल करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक डिमांड डॉलर की ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी जो है वो हम जो मर्जी कर लें वो मजबूत ही रहेगी। और जो अभी जिस तरह लाली ने भी कहा, सबसे पहले डॉलर के खिलाफ सदाम हुसैन ने 98 में कहा था कि हम अपना ऑयल यूरो में बेचेंगे, और उसके बाद सदाम को इन्होंने कहा कि अब तो हमने इसको बनाना ही बनाना है एक जो है क्या कहते हैं मिसाल, इबरत का निशान। सर आप क्या देख रहे हैं? देखिए हम पाकिस्तानी हैं और मैंने और जब सलमान ने ये चैनल बनाया, ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप का हमारे पास आइडिया आया था, तो हमने कहा था कि हम इसके अंदर जो काम करेंगे वो पाकिस्तान अपने वतन के लिए करेंगे, पैसा कमाए ना कमाए वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन अपना पैगाम जरूर अपने मुल्क का करेंगे। सर अब जो थ्रेट्स हमारे सामने डिवेल्प हो रहे हैं और पिछले 2-3 हफ्ते में तो बड़ी स्पीडअप हुए हैं ये थ्रेट्स जो अब सामने खुल के आ रहे हैं, इनसे बाइज्जत तरीके से निकलने का हमारे पास क्या जरिया है, क्या तरीका है जो आप अवाम को भी कहना चाहेंगे, जो आप बाकी लोगों को भी एडवाइस करना चाहेंगे कि हम बाइज्जत तरीके से निकल सके इन हालात से? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की आप निशानदेही कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पिछले 10 दिन में या 15 दिन में जो हालात रूनमा हुए हैं, जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिकन हैव रीएस्टैब्लिश्ड देयर कंट्रोल and they are now in a position to reach their objective through various means. Unke jo road map the of destroying the country, jo ke maine last program mein kaha tha ki 10 saal pehle bhi ek program tha jisme usne kaha tha the aim is to destroy Pakistan. To wo usme koi tabdili nahi aayi hai. Ab is waqt jo situation hai ye dobara unhone control hasil kar liya hai, aur iski wajah yahi hui ki इमरान साहब ने एक डॉलर को थ्रेट किया था व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग विद चाइना इन युआन एंड ट्रेडिंग विद रशिया इन रूबल्स। ये चीज जो है ये तो किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है, एंड दैट बिकेम अ वेरी सीरियस थ्रेट टू देयर इंटरेस्ट इन द रीजन, एंड हेंस दे हैव डिसाइडेड, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा कि इसको इलिमिनेट करने के लिए हमें हमारे जो इदारे हैं, खासतौर पर मैं उनसे मुखातिब होकर कहूंगा कि जिस तरीके से हमारे सामने चीजें आ रही हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे हैव टू अपने जो उनके सेंसर्स हैं, उनके जो इनपुट है टू डिसीजन मेकिंग, उसको जरा तेजी के साथ कवर करें। एंड जो थ्रेट हमारे सामने, जैसे कि अभी लाली साहब ने भी कहा, एक नया थ्रेट डेवलप हो रहा है, एक नई सूरत हाल सामने आ रही है, उसको रोका जाए, और ये प्रेजेंट सिचुएशन को रिकवर करने के लिए यू हैव टू गेट बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड, बैठे एंड उन उस लीडरशिप को जो कि सिंसेयर है, जो कि आपके मुल्क के लिए बेहतर है, अवाम को मौका दें, लेट द पीपल डिसाइड कि व्हाट टाइप ऑफ लीडरशिप दे वांट, और उसको फिर उसके हिसाब से आगे लेके चले। अदरवाइज मेरे नजर में ये आगे हमारे लिए जो बहुत बड़ा खतरा बन के हमने आ रहा है, उसमें फिर हम इट मे बी टू लेट टू रिकवर, देन टाइम फॉर अस इज नाउ और नेवर। सर सलमान योर लास्ट कमेंट। मैं लास्ट कमेंट करना चाहता हूँ, जैसे कैप्टन साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से सम अप किया कि एट द मोमेंट हमें कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेने हैं, वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड वी हैव टू रिकंसीडर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन
डन इन द पास्ट फ्यू वीक्स. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं इस अनरेस्ट के. एक अनरेस्ट है कि लोगों का सिस्टम के ऊपर एतमाद खत्म होना, और दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जब ये पिछले सेटअप का तसलसल जारी नहीं रहा तो अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है दे आर स्क्रैम्बलिंग. दे वर नॉट रियली अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन, और दे वर एक्चुअली लाइंग टू द पीपल के ये बुनियादी वजह कि ये महंगाई है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था. वो इससे ज्यादा महंगाई करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ी हैं. तो अनरेस्ट जो है, जिसकी तरफ गार्डियन ने भी तवज्जो दिलाई अपने मजमून के अंदर, उसके उसको इंस्टिगेट करने के लिए दो एलिमेंट्स हो सकते हैं. एक लोगों का सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट खत्म होना, और दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से अशिया को दोनोश और जो अशिया जरूरियात की कीमतें हैं उनमें मतलब होश रुबा हद तक अगर आप इजाफा कर दें तो डेफिनेटली डिसकंटेंटमेंट पूरे पूरे सिस्टम पर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये सब कुछ कोलैप्स हो सकता है. गॉड फॉरबिड, खाकम बदहन, अल्लाह ताला ये कभी भी ऐसा ना हो, हमारे मुल्क की हिफाजत करे. लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है, ये पॉलिटिकल नहीं रहा. जैसे आपने और कैप्टन साहब ने ये सब फरमाया कि इन सब चीजों का ताल्लुक जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया विद द अग्रेसिव पोस्टरिंग ऑफ अमेरिका, वी हैव टू रियलाइज दिस एंड वी हैव टू मेक पीपल ऑफ द कंट्री रियलाइज के इसके जो रिपरकशंस होंगे वो बहुत सीरियस होंगे. और ये एट द मोमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तानी अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर अदीब आपका, सलमान आपका. हालात तो सख्त हैं, लेकिन शायद हालात के सख्त जो हैं, लोहा जब तक भट्टी में जाए ना जाए वो कुंदन नहीं बनता, लेकिन लोहा होना लाजमी है अगर आपने कुंदन बनना है. हमें अपने जाती अपने परसेप्शन के जो हमारे तासुबात हैं उससे निकल के पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, चीजों को रियलाइज करना पड़ेगा. अंधी तकलीद हमेशा आपको बुराई की तरफ लेके जाती है, इसलिए हमें चीजों को रियलाइज करना पड़ेगा. और हम अक्सर बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि जब तक आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ना समझ आए आप डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को सही तरीके से नहीं समझ सकते. तो हमें आंखें खोल के चलना पड़ेगा. पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं. इंशाल्लाह ये हमारी कमिटमेंट है, ये हमारा सोच है और ये हमारा फेथ है. लेकिन सिर्फ फेथ पे ही नहीं चलते, फेथ के बाद उस फेथ का इजहार अमाल में भी होना चाहिए. तो ये मुल्क हमारा है, हमारी पहचान है, हमारे बच्चों का साया है, उसका मुस्तकबिल है. हमें तमाम तासुबात से निकल के पाकिस्तानी बनना होगा, पाकिस्तानी सोच रखनी होगी, दुश्मन की चालों को समझना होगा. और एक मैं आपको बात बताऊं कि जो स्ट्रेटेजी होती है वो कभी जज्बात पे नहीं बनती है, बड़ी कूल होकर सोचना पड़ता है. तो हमें सोचना होगा कि जो हमने विलन बना रखे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें देख रहे हैं, क्या वैसे ही है या गेम कुछ और चल रही है. अगले एनालिसिस तक के लिए मुझे कैप्टन अदीब को और सलमान को इजाजत दीजिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.